जब भी हम इंडोनेशिया बाली के नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दो चीजें दिमाग पर आती है, एक है इस देश की प्राकृतिक खूबसूरती और दूसरी है यहाँ की धार्मिक स्थिति और परंपराएं। बाली इंडोनेशिया भ्रमण करने वाले पर्यटकों के लिए सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। इंडोनेशिया होने के लिए तो मुस्लिम शहर है, लेकिन सिर्फ बाली में ही 86% से ज्यादा लोग हिंदू धर्म को पालन करते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बाली के बारे में ही बात करेंगे। बाली इंडोनेशिया का एक प्रांत है। इसकी कैपिटल सिटी डेपासर है, जो दक्षिण दिशा में अवस्थित है। बाली के पूर्व दिशा में दोंबोक और पश्चिम दिशा में जावा है। इसके साथ साथ प्रांत की बात करें तो इधर नुसा पेरिडा, नुसा लेम्बुनगन जैसे है। बाली में दो तरह के वेदर होते हैं, एक ड्राई सीजन और दूसरा वेट सीजन। मई से लेके सितंबर तक वेदर ड्राई रहता है, सूखा सूखा रहता है। वही दूसरी तरफ बात करें तो अक्टूबर से अगस्त तक वेट सीजन रहता है, यानी कि बारिश का मौसम होता है। यहाँ पर बहुत सी ऐसे ऊंचे ऊंचे जमीन है जिन पर अक्सर बारिश होती रहती है। बाली का भ्रमण करने के लिए जुलाई से अगस्त के बीच के समय जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, और इसी सीजन में ही सबसे ज्यादा विजिटर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आप कभी भी बाली भ्रमण करने के बारे में सोच बना रहे हैं तो ये दो चीजें जरूर याद रखना। पहला, बाली में जाके आप कौन कौन सी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हो, उन सारी विजिट करने के लिए लाइक प्लेस फाइंड करके उनका लिस्ट बनाना पड़ेगा। दूसरी, आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए टाइम कितना है, क्योंकि बाली आप में ही इतनी खूबसूरत जगह है कि आपके पास टाइम कम होगा तो आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम लेके बाली भ्रमण के लिए निकल सकते हैं। ये दो चीज का अच्छे तरीके से प्लान करके आप आपकी यात्रा तय कर सकते हैं। बाली के भ्रमण करने के लिए सबसे पहले इधर की भौगोलिकता के बारे में बात करेंगे। बाली के पूर्व और पश्चिम दिशा में दो बड़े बड़े पर्वत हैं। उत्तर से लेके दक्षिण तक गहरी गहरी नदियां हैं। उत्तर दिशा के बाली में कम भीड़ रहती है और यहाँ की सबसे खास चीजें लोबिना बीच है। ये जगह सबसे शांत जगह है। यहाँ पर बैठने के लिए एक बहुत ही अलग किस्म का सुकून मिलता है, और यहाँ की डॉल्फिन वॉचिंग जोन की तो बात ही कुछ और है। और यहाँ की खूबसूरत खूबसूरत लैंडस्केप टेम्पल इस जगह को और भी खास बनाते हैं, और यहाँ की खूबसूरत वाटरफॉल मेन अट्रैक्शन पॉइंट है। पश्चिम बाली की बात करें तो इधर बहुत ज्यादा भीड़ होता है। इस जगह को हाइकिंग और बर्ड वॉचिंग के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है। वेस्ट बाली नेशनल पार्क, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और फ्रिस्टाइन बीच इस जगह की खास खास भ्रमण करने के लिए अच्छी अच्छी प्लेस है। अब बात करते हैं सेंट्रल बाली की, तो ये जगह कला, परंपरा और प्रदर्शनी के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इस वजह से यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ रहता है। सेंट्रल बाली को कला और परंपरा के लिए जाना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो हरा खेत, नदी, वाटरफॉल, टेम्पल जैसी चीजें पहले आती है। बाली तो आप पहुंच गए, अब बात करें बाली जाने के लिए आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन होटल बुकिंग का क्या? तो आइए होटल बुकिंग की बात करें, तो यहाँ पर लग्जरी होटल से लेके बजट होटल तक आपको पॉकेट जिस किस्म का होटल बुक करने के लिए ऑफर करता है उस तरीके का ही होटल आप यहाँ पर ले सकते हैं। साउथ एंड सेंट्रल बाली स्टे करने के लिए सबसे अच्छा है। साथ साथ आप बीच में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, साउथ एंड सेंट्रल बाली स्टे करने के लिए सबसे अच्छा है। साथ साथ आप बीच में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आप ऐसे प्लेस में होटल बुक कर सकते हैं, लेकिन आप गांव जैसे जगह पर रुकना चाहते हैं तो सेंट्रल बाली के वुड में आप होटल बुक कर सकते हो। यहाँ पर होटल बुकिंग सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि विजिटर सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए आपका ट्रैवल जब फिक्स होता है तो 2-3 महीने पहले ही आप एडवांस होटल बुकिंग कर सकते हैं यहाँ के लिए। यहाँ पर इस्लाम, ईसाई, बौद्ध धर्म मानने वाले लोग भी मिलते हैं, और यहाँ पर धर्म का बहुत अच्छी तरीके से पालन होता है। ये पारंपरिक और आधुनिक नृत्य, मूर्तिकला, पेंटिंग, चमुंडा, धातु और संगीत सहित अपनी अत्याधिक विकसित कलाओं के लिए
प्रसिद्ध है। इंडोनेशियाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर साल बाली में आयोजित किया जाता है। बाली में आयोजित अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में से मिस वर्ल्ड 2013-2018 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकें, विश्व बैंक समूह और 2022 के G20 शिखर सम्मेलन शामिल है। मार्च 2017 में ट्रिप एडवाइजर ने अपने ट्रैवल चॉइस अवार्ड में बाली को दुनिया के उच्च स्थानों में रखा गया था। इसको 2021 में भी अर्जित किया। बाली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सुपक सिंचाई प्रणाली घर है। बाली की खूबसूरती की बात हो ही रही है तो हम बाली का मेन आकर्षण स्थल सेमिनियक बाली को कैसे भूल सकते हैं? सेमिनियक शानदार नाइट लाइफ और शॉपिंग के लिए मजेदार शहर है। सेमिनियक की खासियत है ये दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है। सेमिनियक में रोड पर शानदार रेस्टोरेंट और बुटीक होटल है जो कि डिलीशियस फूड की पेशकश करते हैं। मन को मोहक कर देने वाली पार्टी, सर्फिंग, समुद्र के पास बैठकर ड्रिंक को एंजॉय करना, इन सब की अपनी एक अलग ही मजा है। इन सारी चीजों को देखा जाए तो सेमिनिया की तरफ पर्यटक खुद खींचे चले आते हैं। अब बात करते हैं भारतीयों के लिए इंडोनेशिया की वीजा नीति क्या है। बाली इंडोनेशिया घूमने जाने के लिए भारतीय को 30 दिन का वीजा मिलता है। वीजा प्राप्त करने के लिए भारतीयों को 18 से INR फीस देनी होती है। अगर आप 30 दिन से कम के लिए इंडोनेशिया या बाली घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सुविधा आप इंडोनेशिया के कुछ चुने हुए एयरपोर्ट से एंट्री लेकर ही कर सकते हैं।